वो ब्लू वो पापा इसमें बनाते हैं ये चन थक चन तरिया सिंह मॉनेस्ट्री है इस एंजुल एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस नए ब्लॉग में मैं जा रहा हूं अपने गांव किरगुचन विलेज जो ले से तकरीबन 130 किलोमीटर कुछ है। तो आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कि आजकल शाम वैली शाम साइड में हमारे गांव साइड में एप्रिकॉट ब्लॉसम का सीज़न चल रहा है, तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। और साथ में लाइक किरगुचन विलेज इसकी अलग एक खूबसूरती है। हमारे साइड में दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, बर्ले और बकव्हीट। तो अभी बर्ले का सीज़न चल रहा है, तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। और साथ में एक अच्छा सा ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री भी है, तो आप लोगों को मॉनेस्ट्री भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। इससे इधर से एक अच्छा सा व्यू आता है ले का। तो आप लोग बने रहिए अभी। अभी हम पहुंच गए बाजू के बड़े गाँव है। तो वो रहा बाजू का पैलेस, नीचे वाला गाँव है। सो गाइस अभी हम पहुंच गए ससपोल। ये ब्रिज पार करके आलची जाते हैं। आलची मोनेस्ट्री के बारे में आप लोग ने सुना होगा। अभी खलसे तक जाना है, पहले तो 60 कुछ किलोमीटर होगा। तो गाइस अभी हम पहुंच गए खालसे। अभी इधर से और 30-40 किलोमीटर और सफ़र करना है। इधर से पूरा रोड अभी बना रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले साल तक तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा डबल रोड बना रहे हैं। तो बम्पी जैसा, वाओ। पहले एक ही सिंगल रोड हुआ करते थे, तो अभी डबल रोड बना रहे हैं। देखिए कैसे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ये तकमाचिक विलेज। सो इस गांव का नाम एक ऑर्गेनिक विलेज भी कहा जाता है। ये लोग बिल्कुल फुली ऑर्गेनिक उगाया जाता है। इनका एप्रिकॉट्स हो या एप्पल्स हो, सब पूरा ऑर्गेनिक आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस गांव का नाम ऑर्गेनिक विलेज है, इसीलिए बहुत सारे फॉरेनर्स हो या बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं सिर्फ इसी गांव को देखने के लिए। इस टाइम तो मैं इस गांव में जा नहीं सकता है मेरा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं। तो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा इस गांव के बारे में। आप लोग को मैं थोड़ा कुछ बताना भी चाहूँगा बाद में। और वन इम्पोर्टेंट थिंग आप लोगों को ये भी ऐड करना चाहूँगा कि तो इस गांव में मेरे पीछे एक वैली, उसमें पहले बहुत पानी आते थे उस वैली में, बट एक फ्लड, डिस्ट्रक्टिव फ्लड हुआ। God, it's so loud. Oh my God.
The bridge is इसीलिए अभी इनके स्ट्रीम में थोड़ा सा ही पानी आता है, तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ईयर बाय ईयर हमारे जो ग्लेशियर्स वो मेल्टिंग हो रहा है, तो इसीलिए हम तो इसीलिए लाइक बहुत ज़रूरी है कि लाइक ऐसे जगहों को प्रिजर्व करना। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी लद्दाख में बहुत चेंजेस हो देखने को मिल रहा है, हम काफ़ी सालों से ये फेस करते आ रहे हैं। तो नॉट ओनली दिस विलेज, आप लोग कहीं कहीं भी जाओ, कहीं पर भी जाओ लद्दाख में, ज़्यादातर गांवों में या ज़्यादातर जगहों में आप लोगों को ये चेंजेस देखने को मिलेगा ईयर बाय ईयर। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम ऐसे हमारी ये जगहों को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे। और ये सिक्स शेड्यूल को लेके हम काफ़ी सालों से मंग कर रहे हैं, तो सिक्स शेड्यूल इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारे इस ऐसी जगहों को प्रिजर्व करने के लिए। हमारे वाटर सिस्टम है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रखने के लिए हम यही सिक्स शेड्यूल मांग कर रहे हैं। ऐसे लद्दाख जैसे ऐसे जगह बहुत फ्रजाइल है, कि लद्दाख में बहुत सारे पहले ऐसे ग्रीनरी होते थे, मगर काफ़ी सालों के बाद ये भी ख़त्म हो चुका है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ समझिए हमारे ये प्रॉब्लम्स को, लद्दाख में क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। तो अभी हम और 10 किलोमीटर आगे और सफ़र करना पड़ेगा। या सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए कृपुचंद। सो ये एप्रिकॉट ब्लॉसम को पूरा कवर करने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग बने रहिए। सो गाइस अभी हम स्क्रूबुचंद के एक व्यू पॉइंट पे आए हैं। यह है स्क्रूबुचंद का एक व्यू पॉइंट, जहाँ से लाइक पूरा स्क्रूबुचंद नज़ारा देख सकते हैं, मगर पूरा ग्रीनरी नहीं हुआ है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं खेत पर आया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखिए, सो मैं खेत पर आया हूँ, थोड़ा ये खेत और एप्रिकॉट ब्लॉसम भी थोड़ा कवर करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये मेरा थर्ड डे है, तो अभी मैं एक खचतंग बोल के एक गाँव जो स्क्रूबुचंद के एक पार्ट है, तो उधर आया हूँ। आज मैं ऐसी घर में हूँ जिस लाइक जो घर 200-300 पुराना ही घर है, तो इसमें हम थोड़ा आप लोगों को कवर करने की कोशिश करता हूँ कि अंदर क्या क्या होते हैं और उनके लाइफ स्टाइल उस टाइम पर कैसे वो लोग रहते हैं। तो आप लोगों को मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर जो अस्तारा बोलते हैं, जिसमें लाइक बकरी गाय बकरी रखते हैं, तो उससे सेकेंड फ्लोर में गुनखंग बोलते हैं, जिसमें लाइक लोग जो विंटर में शिफ्ट होता है तो उसमें बैठते हैं, क्योंकि वो गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लोर्स।
तो सबसे टॉप फ्लोर में ज़बरखंग बोलते हैं, जिसमें लाइक समर में वो लोग शिफ्ट होते हैं। तो अब उनको मैं थोड़ा ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अंदर क्या क्या होता है उनकी लाइक, जिसमें लाइक उनके लाइफस्टाइल और उनका उनके लाइक स्टोव, जो जिस टाइम पे वो लोग स्टोव में आग जलाते थे तो वो अलग सा है एज कम्पेयर टू लाइक नाउ डेज दैट वी हैव सीन द स्टोव, यू नो। सो आप लोगों को इसमें जिसमें लाइक पूजा होते हैं इसमें, तो उस टाइम पे कितना अच्छी तरह से वो लोग बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं। तो अंदर ये स्टेचूस वगैरह और थंकास बोल के बहुत सारे पेंटिंग्स, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स भी हैं। सो ये है व्यू पॉइंट जहाँ से पूरा स्लुबुचन विलेज का पूरा व्यू देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पूरा स्लुबुचन का व्यू अच्छी तरह से आ रहा है। तो गाइज अभी हम आए हैं ये ज़बरखंग बोलते हैं, तो ये पूरा अलमारी, पूरा अलमारी लकड़ी का बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से बना हुआ है उस टाइम पे। तो आप लोग देखिए ये वाला दुलतुक बोलते हैं लाइक, जिसमें लद्दाखी फूड एक पाबा बोल के एक बड़ले फ्लोर से बनाते हैं, तो उस वो पाबा इसमें बनाते हैं ये वाला दुलतुक बोल के, ये स्टोन यानी कि स्टोन से बनाते हैं पूरा, कितना अच्छा आप लोग देख सकते हैं पूरा स्टोन का बना हुआ है ये वाला स्पून, देख सकते हो ये भी दुलतुक का पार्ट है, ये भी पूरा स्टोन से बना हुआ है। बाकी ये भी ये इससे पाबा बनाते हैं, इसमें लगा के इसमें ऐसे पाबा बनाते हैं। आ सकते हैं इसमें ये वाला स्टोर रूम है, जिसमें लाइक वो लोग उस टाइम पे स्टोर करते हैं जो लाइक बर्ले फ्लोर हो या चावल हो या जो भी हो, यहीं पे रखते हैं, इसी में स्टोर करते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये वाला गुरगुर चाय बोलते हैं, जिसमें गुरगुर चाय लाइक सॉल्टी नमकीन चाय बनाते हैं, तो इसी से बनाते हैं, इसमें डाल के बटर या दूध पूरा डाल के। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये वाला पूरा लकड़ी से बना हुआ है, ये पूरा फ्लोरिंग पूरा लकड़ी से बना है, ताकि पूरा अंदर को लाइक ये रूम को पूरा गर्म रख सके। तो पूरा ये भी इसमें भी यही होता है, और ज़बरखंग और गुनखंग विंटर रूम में भी सेम होता है। बाकी ये वाला है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं कितना कला हुआ है, क्योंकि ऐसे स्टोव में लाइक खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से पूरा धुआं आके धुआं ऊपर होके पूरा ये पूरा कला हुआ है। तो बाकी ये वाला है मेन वेंटिलेशन, जिसमें धुआं इधर से आके इधर से निकल जाता है, तो ये वाला एक वेंटिलेशन बना है, कितना अच्छी तरह से बना हुआ है उस टाइम पे। सो गाइस ये है गुनखंग, जिसमें लाइक विंटर में ये उस टाइम पे लाइक शिफ्ट होता है, इस घर में ज्यादा लाइक गर्म रहता है, इसमें इतना लाइक विंडोज नहीं होता है, और सिर्फ दो तीन बस डोर ही होता है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। बाकी ये है एक सेम वेंटिलेशन, जिससे लाइक वही सेम धुआं इधर से स्टोव से जो धुआं आता है वो इधर से निकल जाता है, तो सेम पूरा अलमारी इधर भी सेम बना हुआ है। ये भी एक ऐसे स्टोर रूम है, जिसमें लाइक बर्ले स्टोर होता है, इसमें हम लोग देख सकते हैं। सो गाइस ये मेन डोर, जो मेन गेट का एक अलग सा लॉक होते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। ये वाला एक लॉक है, जिसमें लाइक ऐसे वाला लॉक ऐसे लॉक हो जाता है, ऐसे लॉक ऑन होता है, तो इसका ये एक अलग सा एक अच्छा लॉक है उस टाइम पे। तो मैं लास्ट पे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग स्क्रूबुचन लाइक आना चाहते हो, या ऐसे घर में लाइक आप लोग एक्सप्लोर या विजिट करना चाहते हो, तो मेरे इस नंबर पे आप लोग लाइक कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग डीएम कर सकते हैं,
तो या बने रहिए। हेलो गाइस, सो अभी मैं स्किरविचन मॉनेस्ट्री में आया हूँ। तो आज मेरे साथ है ज्ञान आंधु। ज्ञान ने मेरा क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा ये स्किरविचन मॉनेस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में आप कुछ कहे, और ताकि लोगों को ये मॉनेस्ट्री के बारे में कुछ जाने, तो थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? जी गेलसन जी, इसके बारे में ज़्यादा तो मुझे मालूम नहीं है। जितना मेरे को समझ में आया था, लोगों ने जो पूर्व बुज़ुर्ग लोगों ने कहा था उसके मुताबिक, अगर मैं आपको कहूँ तो ये मॉनेस्ट्री का नाम है स्किचन थेकचन तरिया सिंह मॉनेस्ट्री है इस मॉनेस्ट्री का नाम। जो ये बनाया गया था 1920 में डुपचन जोल्धन बोल के एक लामा जी था या उसने बनाया था। उस तो ये मॉनेस्ट्री कैसा था उस समय की, वो जो छोटा सा मॉनेस्ट्री था, उसके बाद इसको बहुत 3-4 बार रिपेयर किया था। अभी जो है इसे 3-4 बार रिपेयर किया हुआ है। हमारे यहाँ बहुत ही महान योगी दो गुरुजी आया था, एक का नाम है रुदुल पुक्पा और दूसरा का नाम है कोंचो वांगपो बोल के। जो रुदुल पुक्पा यहाँ पे इधर उसका कैफ है, आप उधर दर्शन कर सकता है, और उसका कैफ है, और वो यहाँ पे रह के इधर लामा बना के उसके बाद तिबेट में चला गया। तिबेट जाके उसका पूरा वो योगी का जो भी नॉलेज होता है जो भी, वो पूरा पढ़ा के फिर वापस आया था इधर। इधर आके उधर हमारे वहाँ पे एक स्पोर्ट्स है बोल के एक पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़, वहाँ पे उसने एक तंत्रिक किया हुआ ऐसा सुनने में आया था। क्योंकि वो उस समय वो जो पहाड़ गिरने की समस्या था, तो वो लामा जी आके उधर तंत्रिक या नहीं कुछ भी होना, वो पूजा वूजा करके वो बचाया था बोल रहे। उसके बाद उधर से एक नस्पति था, उधर डुंगमी पा घर बोलता है बोलने में है, तो उनकी वहाँ से नस्पति लेके फिर लामा जी उधर चला गया था। जो दूसरा गुरु जी और लामा कोंचो वांगपो, उनने यहाँ उसकी यहाँ पे अभी बहुत सारे उसकी कृपा से हमें यहाँ पे बहुत सारे पूजा देखने को मिल रहा है। मेरा और एक क्वेश्चन है, जो अभी आप लोग एक बना हुआ है एक जो मंडाला, मीटुक पसेन मंडाला भी कहते हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो वारा का नाम वेरव का नाम मंडला है ना, गुम्बो मिटुक पर किलखोर बोलता है हमारे लद्दाख में, किलखोर बोलते हैं। मंडला तो आपको पता ही होगा, वो जो मंडला मतलब मेडिटेशन का एक सिंबल होता है, तो मंडला जो है ना इनपरमानेंट का सिंबल का होता है। तो उसमें से हम इनपरमानेंट मतलब जैसे हमारा ये जो है मैं और मेरा उन चीज़ होता है ना, उन चीज़ को उधर पूरा लिखा होता है कि ये तेरा नहीं है, इसको नहीं है, क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, ये सब होता है। इसको बोलता है इनपरमानेंट, क्योंकि इन दुनिया में इन संसार में कोई भी परमानेंट नहीं होता है। तो हमें ये समझ में आता है कि वो जो पूजा करते समय उसको उनमें जो भी लिखा होता है उनको पढ़ते पढ़ते हमें ये समझ में आता है हाँ दुनिया में तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। सो गाइस थैंक यू सो मच। लास्ट पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ज्ञान ने पूरा एक्सप्लेन किया ये मॉनेस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो यही कहना चाहूँगा लास्ट पे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, तो अगले नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक आप लोग को अच्छी तरह से रहना, तो सी यू एंड टेक केयर। सो आप लोग अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक या जुले संवाला।